ये बॉक्स है इसका चेन का, कि चेन में कहीं भी लॉक नहीं है कि आप चेन खोल सको, क्योंकि यामा सैंपल आपके सामने में है। ये पूरा रस्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ चार पांच दिन से ना ये निकल रहा है इसका, एंड जंग लगा हुआ अंदर पे देख लो, ठीक है। इसके दांत भी खत्म हो गए, ये तो मैंने देसी, तो इसको मार मार के काटना पड़ रहा है, छेनी मार मार के इसके पिन को जो है बाहर निकाला। केरोसिन डाल के ब्रश के साथ छिड़क ले थोड़ा सा बॉटल से, एंड अब साफ होना स्टार्ट हो गया अंदर पे। ये पूरा साफ किया, सारे नट जो है मैंने लूज कर लिए हैं, रैचेट लो ये पूरा खत्म हो गया। पूरा हब की थोड़ी ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, जो आपको ये है ब्लैक कलर की पॉकेट जो कि पीछे हब में लगने वाली है। ये रहा सा गोल्ड चेन भाई, देख के चेन पेस्ट आप देख लो, ये देखो कंपनी ने पहले तो ये फ्रंट वाली करा रही है इसका चेन लॉक, ये चीज मुझे चाहिए था बस। और ये ऐसे करके बैठ गया है, एंड यहाँ लगाएंगे, फिर एक यहाँ लगाएंगे। शाफ्ट पे ग्रीस लगाना ही लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का ऊपर ग्रीस लगा दें इस पे, ऐसे अच्छा साउंड है, वो थोड़ी सी कम रहती है, झटका मारे जब खट खट आवाज करता नीचे, फिर से छोटा ऊपर बड़ा नीचे, इस पे आराम से ऐसे बैठाएंगे। एंड ये देखो यहाँ पे एक्सल पे चढ़ गया है बहुत ही मुश्किल, सबको पता है कि पूरी फ्री है, तो यहाँ पे एडजस्टर दिया हुआ ना नट है इसको, ये जो लॉक है ना ये देखो ये आगे बाहर, ठीक है लिट, ये देखो ये चेन खुल गया, चेन आ दिया पूरा चेन, तो जो चेन स्लैक है इसको एडजस्ट करेंगे बस। यहाँ देख लो सारा स्लैक एडजस्ट हो गया, एंड सारा देखो यहाँ पे हल्का हल्का चेन। हे एवरीवन, दिस इज ओकरण एंड वेलकम बैक टू मन अदर वीडियो। सो आज जो वीडियो होने वाली है, तो आपने देख लिया टाइटल, देख लिया थंबनेल, तो आप सोच रहे होगे कि लगाया है मैंने गोल्ड चेन, तो ये शायद पार्ट फोर वीडियो है मेरी। तो पार्ट थ्री में आपने देखा था इसका रेडिएटर का काम हुआ था, पूरा कूलेंट ड्रेन हुआ था एंड कूलेंट डाला था इस पर, एंड सारा काम हुआ था। तो आज है पार्ट फोर, तो आज फाइनली इंस्टॉल होने वाली है इसमें चेन स्पॉकेट, गोल्ड चेन स्पॉकेट ब्रास वाली जो रोल ऑन की आती है। तो इस वीडियो में आपको सब चीज़ दिखाऊंगा कि पुराना चेन कैसे खोलना है, क्योंकि इसकी पुरानी चेन मतलब जो ओरिजिनल चेन यामा की, वो चेन जो है पूरी सील है, उसमें चेन लॉक कहीं नहीं है। तो यही रीज़न से मैंने रोल ऑन की ब्रास चेन पॉकेट मंगाई है, ताकि उसमें चेन की जो लॉक है वो लॉक दी हुई कंपनी में, कल को अगर चेन मुझे साफ़ करना पड़ा पूरे खोल के तो मैं चेन खोल सकता हूँ। तो ये ओरिजिनल चेन जो वो चेन खुलेगी नहीं, उसको काट के निकालना पड़ता है, उसकी रिबिट जो पिन रहती है उसको काट के निकालना पड़ता है, वो परमानेंट लॉक है। तो ये रीज़न से मैंने यामा की चेन पॉकेट नहीं चूज़ की, एंड उसकी लाइफ भी बहुत कम है, तो एंड ऊपर से गोल्डन चेन पॉकेट चूज़ किया क्योंकि दिखने में थोड़ी अच्छी लगती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ तो कैसे लगेगी लुक चेन लगाने के बाद में। तो ये रहा चेन पॉकेट, LRL मोटर से मैंने परचेस किया था। तो ये ब्रास चेन पॉकेट को अनबॉक्स अनरैप करेंगे, पहले पुराना चेन खोलेंगे, कैसे खोलना वो दिखाएंगे कंप्लीट वीडियो पे, एंड उसके बाद इसको अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि अभी क्या है ना एक्चुअली बारिश की मौसम हुई हुई है, तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो मैं चाहता नहीं कि खोल कैसे यहाँ पे खोल कर रख दूँ एंड पूरा बारिश का पानी चल जाए, पूरा खराब हो जाए। तो इसको अनबॉक्स करेंगे थोड़ा लेट पे, तो पहले पुराना चेन निकाल देंगे। वैसे एक चीज़ और बता दूँ कि बात ऐसा है कि मैंने YouTube में सर्च किया था कि ब्रास चेन पॉकेट इंस्टॉल इस पे, तो बहुत सारे लोगों ने 10-15 जनों ने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो वीडियो में पता नहीं क्या बेवकूफ़ी की है उन्होंने, क्या चुतिया पे किए हुए हैं, पता नहीं कोई मोटो व्लॉग बना रहा है, कोई तमिल में बोल रहा है, कोई भाषा में बोल रहा है, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है कि भाई चेन कैसे खोलनी है, कैसे लगानी है, चेन को अनरैप करना है मतलब अनबॉक्स करनी है, चेन दिखानी है इसकी, मतलब कि चेन के बारे में बताना, कुछ नहीं बताया उन्होंने, खाली अपना ही मोटो व्लॉग पर लगे हुए हैं भाई लोग, 5-6 वीडियो भाई लोगों ने डाला हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया कि वीडियो बनाने का मोटिव क्या था उनका। तो मेरा मोटिव है कि आपको बताऊं कि पुराना चेन कैसे खोलना है, चेन मैंने चेन वाले एरिया कैसे साफ़ करनी है, न्यू चेन कैसे बैठाना है, कैसे इसकी लॉक करना है, इसे चेन लूप करना है, टोटल प्रोसेस पे बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पे लगे रहना एंड ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना इसे। ये बॉक्स है इसका चेन का, तो इसको बाद में अनबॉक्स करेंगे, पहले क्या करेंगे इसका टायर को निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इसकी एक्सल खोलनी पड़ेगी, एक्सल खोल के इसका पुराना स्पॉकेट निकालते हैं। तो साथ साथ में मैंने क्या है कि न्यू नट्स भी लेके आया हूँ, नट सारे चेंज करूँगा मैं, ब्लैक कलर के नट लाया हूँ, एंड इसके चेन में कहीं भी लॉक नहीं है कि आप चेन खोल सको, क्योंकि यामा की ये सेफ्टी है कि चेन कहीं खुले नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेन खुल भी सकती, जिसका एक्सीडेंटल लिखा रहता है वो हो ही जाता है। तो यामा की एक ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है कि इन्होंने चेन लॉक नहीं दिया था कि आदमी कोई चेन खोल सके, चेन साफ कर सके। तो क्या करना होगा, इसकी जो रिबिट देख रहे हो ना ये पिन, इसको पिन को ठोक के निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात बता दो कि मैंने रोल ऑन की चेन पॉकेट क्यों चूज़ की, वो भी ब्रास वाली, क्योंकि ये कोरोजन प्रूफ है, मतलब कि इसमें रस्ट नहीं लगता। तो ओरिजिनल चेन में रस्ट लगा हुआ है, आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो एग्जांपल आपके सामने में, ये पूरा रस्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ 4-5 दिन से मेरी बाइक खड़ी है सर्विस होने के लिए, तो बारिश भी साथ साथ हो रही है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा रस्ट लगना चालू हो गया। सोच लो कि चेन में आप चेन ल्यूब डालते हो, ऑयल डालते हो, इतना कुछ इसमें लुब्रिकेशन जाता है, उसके बाद भी इस पर रस्ट लगता है, ठीक है, ये देखो चेकआउट करो, पूरा रस्ट लगा हुआ चेन पे।
तो बस यही रीज़न है कि मैंने यामा का ओरिजिनल चेंज पॉकेट चूज़ नहीं की, एंड क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, शायद 2000 के आसपास प्राइस है। 2000 के प्राइस में भी ऐसा मज़ा नहीं आता कि लुक नहीं आ रही भाई कोई कि हाँ मस्त चेंज पॉकेट लगा हुआ है। तो जब गोल्ड वाली लगेगी ना भाई, ये खिल के आएगा गाड़ी में एंड बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। साइड से पूरी गोल्ड चेन दिखेगी, यहाँ से आपको तो दिखाऊंगा ही पूरा कंप्लीट लास्ट तक जब तक इंस्टॉलेशन होती है। तो अभी सबसे पहले क्या है कि इसका एक्सल बोल्ट खोलना है, ठीक है। एक्सल के पूरे बोल्ट खोल के नट को निकाल के चक्का पूरा बाहर निकालेंगे। पूरी कंप्लीट असेंबली हब होती है इस पॉकेट की, इसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद चेन को कैसे निकालना है, मतलब इसकी पिन कैसे निकालनी है, वो सारा चीज़ आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसका व्हील है जो पीछे ला निकल गया, एंड ये देखो ये रहा पॉकेट का हब इसका, एंड पॉकेट अच्छी तरह घिस गई है पूरी। ये देख लो, यहाँ चेकआउट करो, पूरे धागी हैं इस पर। ये देखो मोटा मोटा लेयर जो है ना, ये निकल रहा है इसका। एंड साथ साथ में करेंगे इसकी बेयरिंग भी ग्रीसिंग। तो अंदर ग्रीस लगा हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसका ब्रेक शू चेंज किया था, तो मैंने ग्रीस लगा दी थी बाहर से ही, अंदर मेन बेयरिंग में ग्रीसिंग नहीं गई थी। तो अभी क्या करेंगे, इसकी बेयरिंग जो है, ये वाली इसके अंदर बेयरिंग है, तो बेयरिंग को बाहर निकालना पड़ेगा ही, उसके बाद ही अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे। एंड हो सकता है कि इस वीडियो में नहीं, लेकिन पार्ट फाइव में रहेगा आपका बेयरिंग ग्रीसिंग वाला, क्योंकि इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा कि बेयरिंग ग्रीसिंग कैसे करना है, आपको पार्ट फाइव में दिखाऊंगा इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो पे। तो ये फ्रंट, ये रियर वाली जो चक्का है ना, इसकी बेयरिंग को ग्रीसिंग करना, बाहर से नहीं, जो जैसे बाहर मिस्त्री में लगाते हैं, बाहर से ग्रीस लगा के बेवकूफ़ बना दिया कस्टमर को एंड गाड़ी भेज दी, ऐसा नहीं। अंदर जो मेन इसका बेयरिंग होता है उसमें कैसे ग्रीस लगा वो भी बताएंगे, एंड पार्ट फाइव में आपको दिख जाएगा दोनों चक्के की बेयरिंग ग्रीसिंग। फ्रंट वाला चक्का भी खोलेंगे एंड इसका ग्रीसिंग एंड रियर व्हील की बेयरिंग भी ग्रीसिंग, ये टोटल आपको दिखेगा पार्ट फाइव में। तो अभी क्या करना है, ये वाला कवर खोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो गरारी है छोटी वाली 14 teeth वाली, उसको निकालते हैं बाहर, उसके बाद काटेंगे इसका चेन का व्हील। डैम्पर भी डैमेज है, देख लो सारा टूट के सारे पीस पीस में बट गए हैं सब। ये सब जॉइंट रहता है, देखो ये जॉइंट है ना, ये मैंने जॉइंट किया था फेविक्विक से, तो ये जॉइंट नहीं चलेगा, ये सारे पीस टूट गए हैं। तो ये मैंने, ये तो नया लेके आया हूँ, आपने देखा था वीडियो पे, तो ये भी न्यू लगेंगे, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ देखो मैंने ये फ्रंट वाली गरारी का कवर खोला, तो एंड यहाँ जंग लगा हुआ अंदर पे देख लो, ठीक है। ये स्पॉकेट भी मैंने चेंज किया था, शायद 15,000 किलोमीटर में ये स्पॉकेट वाला था, आपने शायद मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, इसमें बताया था मैंने ये स्पॉकेट पूरी घिस गई थी। तो ये मैं शॉप से लोकल लेके आया था, ये पीस 100 रुपये का, एंड अंदर पूरी देखो मिट्टी जमी हुई है, ठीक है। तो ये सारा जो है केरोसिन से साफ़ होगा, केरोसिन डाल के ब्रश कंप्लीट साफ़ करने के बाद ही न्यू स्पॉकेट डलेगी यहाँ पे। एंड देखो अंदर पूरा मिट्टी का लेयर जमा हुआ है, फंसा हुआ अंदर पे, ये देखो आपको दिख रहा होगा। तो अभी क्या है, इसको 8 mm के जो टीप आना है इससे खोलेंगे, पहले गियर में डाल के फिर इसे खोल लेते हैं। पहले खाली एक ही यहाँ पे बोल्ट है 8 का, तो इसको खोलना है एंड इसका लॉक बाहर निकल जाएगा। तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, कहाँ से रिकॉर्ड करना है, कहाँ से सब चीज़ खोलना, तो मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, जितना हो सकता मैं आपको दिखा रहा हूँ उस वीडियो पे। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ अभी फ्रंट वाली गरारी ओपन की है मैंने, तो ये देखो ये गरारी की हाल बहुत ख़राब है, पूरी बेंड हो गई है, इसके दांत भी ख़त्म हो गए। ये तो मैंने देसी डाला था ऐसे ही लोकल काम के लिए, तो ये शायद 6,000 किलोमीटर शायद ये चली है, 6 से 7,000 के आसपास चली है। एंड ये देखो रस्ट पीस पे लगा हुआ, बस यही रीज़न है कि मैं यामा के स्पॉकेट्स नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये प्योर आयरन मेड होते हैं एंड इसमें रस्ट लगना ही है। एंड बारिश के मौसम में तो आपका चेन स्पॉकेट ख़राब होनी है, क्योंकि बारिश, चेन स्पॉकेट का दुश्मन बारिश होता है, ठीक है। तो आपकी चेन स्पॉकेट, कोई भी गाड़ी हो आपके पास में, कोई भी बाइक हो, उसकी चेन स्पॉकेट ख़राब होगी बारिश में, बारिश की पानी जाती है तो सारा जो लुब्रिकेंट वो ड्रेन हो जाता है। एंड ये देखो रस्ट लगना स्टार्ट हो गया, मैं इसमें मोतुल का चेन ल्यूब डालता हूँ, गियर ऑयल डालता हूँ, तब जाके ऐसा हाल है इसका। तो इसलिए मैंने ये चूज़ नहीं किया दोबारा से, एंड चूज़ कर रहा हूँ मैं रोल ऑन वाले स्प्रॉकेट जो गोल्ड वाले हैं, ब्रास प्लेटेड, जिसमें रस्ट नहीं लगेगा, ऐसा रोल ऑन गारंटी देती है, पर वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो ज़रा ना बात करते हुए वीडियो छोटी रखेंगे थोड़े आपके लिए। तो एंड अभी क्या करते हैं, इसका चेन है जो, उसको खोलना स्टार्ट करते हैं पहले। तो चेन को जो है पूरा लूज़ कर दिया यहाँ से, एंड यहाँ पे आ गया पूरा फ्लेक्सिबल है, तो कुछ इस तरह का मैं यूज़ कर रहा हूँ नीचे बेस, ठीक है। तो इस तरह का बेस यूज़ करेंगे एंड इस कुछ पंच चाहिए, पतले पतले पंच, जो कि इसके जो पिन है इसको ठोकने के लिए। तो चेन को रखेंगे इसके ऊपर पे यहाँ पे, एंड कोई भी एक पिन को, एक पिन कोई भी किसी को मारेंगे, जैसे कि ये एक पिन है तो मैंने इसको चूज़ कर लिया, तो एक पिन को मारेंगे तो पिन बाहर निकल जाएगा एंड चेन खुल जाएगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
गाइस यहाँ बहुत झमेला हो रहा है, तो मुझे वाइस से पकड़ना पड़ रहा है इसको काटने के लिए। पता नहीं ये चेन इतना हार्ड है ना, तो इसको मार मार के काटना पड़ रहा है छेनी से वाइस में पकड़ के। तो देखो इतने सारे टूल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं मुझे। तो यहाँ काफ़ी मेहनत करने के बाद में आधा घंटा लगा दिमाग लगा के छेनी वगैरह एंड पॉइंट वगैरह मार मार के। तो यहाँ पे इसका लिंक निकाला गया, तो मुझे वाइस में पकड़ना पड़ा था चेन को, उसके बाद ही जाके निकल पाए, क्योंकि हाथ से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने जो जुगाड़ लगा था वो हुआ नहीं, तो वैसे ही मैंने ये छेनी जो है ये पॉइंट पंच देख रहे हो, ये पंच को मार मार के इसके पिन को जो है बाहर निकाला। एंड फाइनली ये चेन बहुत देर के बाद खुली है, बहुत ही परेशान हुआ तब से। यहाँ चेकआउट कर लो, ये लिंक मैंने तोड़ ताड़ के फाड़ के निकाला, ये देखो ये रहा, तोड़ के निकाला इसका पॉइंट। एंड अब जो है ये चेन को है बाहर खींच लेते हैं, तो ये चेन जो है ये आ जाएगी बाहर। तो यहाँ भी करनी है इसकी सफाई, तो ये पूरा साफ करना है। देखो मेरे पास है अपना केरोसिन है, पेट्रोल है एंड ब्रश वगैरह रखा हुआ मैंने, तो इसको क्लीन करना है। तो पहले क्या करेंगे, कुछ जितने जो ऊपर ऊपर की मिट्टी है ना, ये देखो इस तरह जितना निकल सकता है, आप ब्लेड ले लो कुछ भी ले लो, मैं स्केयर रखा हुआ यार, मेरा ब्लेड नहीं मिल रहा था अभी। तो देखो इस तरह जितना मिट्टी है ना, इसको पहले निकाल लो ब्लेड से जितना निकल सकता है, मोटा मोटा जो लेयर बना हुआ है इसको निकाल लो। उसके बाद केरोसिन डाल के ब्रश के साथ में क्लीन करना है। पहला ऐसा कि यहाँ पे आप केरोसिन थोड़ा सा डाल लें, ठीक है, केरोसिन छिड़क ले थोड़ा सा बॉटल से, एंड केरोसिन डालने के बाद थोड़ा सा ब्रश भी गीला कर दें, एंड उसके बाद ब्रश ऐसे साफ़ करना है, ठीक है। साफ तब तक करना है जब तक कि पूरा गंदा नहीं निकलता, ऐसा क्लीन करते रहें कम से कम 10 मिनट तक, केरोसिन डालते रहें साथ में साफ़ करते रहें। देख लो अब साफ होना स्टार्ट हो गया अंदर पे। तो ये चीज़ कंटिन्यू मैंने दिखा था, क्योंकि हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, तो मुझे दो हाथ की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं मुझे मेरी प्रॉब्लम। तो यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, तो केरोसिन डालना है एंड ब्रश मारना है, फिर केरोसिन डालना है फिर ब्रश मारना है, ऐसे करते करते सारा एरिया अंदर में केरोसिन डालें और ब्रश मारें, तो कंटिन्यू करते रहें ऐसा 10 मिनट तक, ये पूरा साफ़ हो जाएगा। तो मैं करके आपको पूरा क्लीन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ चेकआउट करो गाइस, ये होती है सफाई। तो ये देखो क्लीन पूरा, देखो पूरा ओरिजिनल चेंबर दिख रहा है इसके अंदर, सारा मिट्टी ये ऑयल डर्ट जो भी चेन का रहता निकल निकल के पूरा फंसा हुआ था, तो ये सारा यहाँ क्लीन हो गया। जितना हो सका मैंने क्लीन किया, ज़्यादा मैंने क्लीन नहीं किया क्योंकि अभी फिर बारिश का मौसम है एंड चेन लूप डालेंगे फिर मिट्टी फंसेगी, तो इतना मेहनत करना बेकार है। तो अब देख लो यहाँ पे ये पूरा क्लीन हो गया। तो इस टाइप की क्लीन पूरी करनी है आपको जब भी न्यू चेन्स पॉकेट डालें एंड जब भी आप चेन वगैरह खोलेंगे, तो इतनी सफाई होनी चाहिए, तब जाके आपकी चेन जो है करारी आगे लास्टिंग करती है, क्योंकि इसमें कचरा जो फंस जाता है तो उसकी लास्टिंग ख़राब हो जाती है। तो अभी लगाते हैं फ्रंट वाली करारी, तो अनबॉक्स करते हैं न्यू चेन्स पॉकेट। तो ये एरिया जहाँ चेन चलता है भाई, यहाँ पूरा क्लीन होकर देख लो, ये सब जो माउंटिंग है ना शॉकर के, ये पूरे गंदे होते हैं, मतलब कि पूरे काले होते हैं चेन के वो तेल के छिड़के से। तो ये पूरा साफ़ किया, साथ में ये कवर है जो यहाँ पे कवर लगता है ना, ये भी कवर साफ़ किया, देखो ये पूरा साफ़ हो गया। एंड सारा केरोसिन से ही साफ़ किया, केरोसिन ब्रश पेट्रोल लेके आपको सारा क्लीन करना है। एंड अब आपको सब्र नहीं कर पाते हैं, चलिए अब अनरैप करते हैं पूरा चेन को और चेन सेट दिखाते हैं आपको। अभी क्या करते हैं कि जो पीछे वाला पॉकेट जो हब है, ये पूरा हब, ठीक है, तो ये हब की जो बेरिंग है उसको निकालेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, ये आपको दिखेगी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में शायद। तो अभी क्या करते हैं इस वीडियो पे, ये जो है ना इसका स्पॉकेट, ये 1 2 3 4 5 6 जो नट है ये नट तो खोल लेते हैं। तो इसमें लगेगी 12 mm की सॉकेट एंड इसी को टायर के साथ में, टायर में लगा लगे यहीं पे रखे रखे, यहाँ पे रैचेट के हेल्प से इसको खोल लेते हैं। ये रैचेट रेंच है 12 mm का, तो ये 12 mm का से लगाएंगे एंड ऐसे खोलेंगे। तो ये अभी सारे नट जो है मैंने लूज़ कर लिए हैं रैचेट के हेल्प से, क्योंकि बहुत मुश्किल से लूज़ हुआ और कुछ कुछ नट तो स्लिप हैं, ये देख लो, ये चेकआउट कर लो, ये सारे स्लिप हो गए हैं, मतलब ये एक बार खुलने से फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ही, नहीं तो फिर दोबारा खोलने जाएंगे तो ये सारा स्लिप हुआ रहता है, फिर आपको खोलना मुश्किल हो जाएगा, फिर जाना पड़ेगा लेथ मशीन में ले करके। तो अच्छा रहेगा कि आप सारे जो नट है वो चेंज करके न्यू डाल दें ब्रांडेड वाले। तो ये सारे खुल गए हैं, तो अभी क्या है स्पॉकेट का जो हब है ये बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका स्पॉकेट पीछे वाला बाहर आ गया, देख लो ये पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा घिस करके पूरी मतलब कि बेंड हो गई है इसकी तीट एंड पूरा स्पेस हो गया, स्पेस जाके चेन आवाज़ करती थी। तो हटाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी इसका हब ही आ गया बाहर। तो ये हब की थोड़ी ग्रीसिंग वगैरह करते हैं जो आपको देखेगी नेक्स्ट वीडियो पे, एंड बेरिंग वगैरह ग्रीसिंग करते हैं जो कि देखेगी नेक्स्ट वीडियो पे, उसके बाद लगाते हैं इसका स्पॉकेट, फिर इसके बाद अनरैप करेंगे फिर दिखाएंगे। तो
तो ऐसा है कि यहाँ पे जितना हब वगैरह है एंड बेयरिंग वगैरह ग्रीसिंग होके, देखो यहाँ पे ग्रीसिंग होके सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रेडी हो गई है। तो अब क्या करना है अब चलते हैं स्पॉकेट सेट को अनरैप करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद यहाँ पे बड़ा स्पॉकेट लगाते हैं फटाफट से, क्योंकि यहाँ पुराना सारा सामान देखो पड़ा हुआ है, छोटे स्पॉकेट, बड़े स्पॉकेट, चेन, एंड इसके जो नट थे ये देखो सारे घिस गए हैं, इसके देखो थ्रेड सारे घिस गए हैं। तो ये मैं वापस लगाने वाला नहीं हूँ क्योंकि न्यू लेके आया हूँ पैकेट। तो चलो भाई ये यहाँ रखा हुआ है चेन स्पॉकेट, एंड इसको करते हैं अनरैप पेपर पे। तो यहाँ अनरैप हो गई है, तो आप बॉक्स देख लो, ये रहा इसका रोल ऑन BRP किट ब्रास चेन पॉकेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेन कोरोजन रेजिस्टेंस लस्टरस एस्थेटिक एनहेंस विद रेजिस्टेंस ड्यू टू 2-point सीलिंग, और पॉकेट में लिखा हुआ है एनहेंस वेयर रेजिस्टेंस हाई फैटिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। एंड ऊपर देखो मेंशन किया हुआ RN5 वर्जन 3, एंड पॉकेट का लिखा हुआ 128L 14 टीथ फ्रंट वाली, 48 टीथ पीछे की है, तो और 120 लेंथ है इसका आपका चेन का 6H। एंड यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख लो यहाँ ने दिया हुआ है ओरिंग, इसके बीच ओरिंग है, बीच में ग्रीस प्लेट, सारा कुछ लिखा हुआ आप चेकआउट करो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एंड सारा पढ़ लेना जो पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ पहले ही। एंड यहाँ इन्होंने बोला है कि यहाँ पे यूज़ करना है वाइट चेन ल्यूब, तो ये चेक कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ मेंटेनेंस के लिए रोनॉन की वाइट चेन ल्यूब आती है, चेन पेस्ट है वाइट कलर की, एंड एवरी 500 किलोमीटर में आपको ल्यूब करना है। तो यहाँ पे MRP लिखा हुआ 2072 रुपीज़ इसके MRP है, तो मुझे एक डिस्काउंट मूल्य मिला, तो मैंने लिया शायद 1900 रुपये में विथ फ्री डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी फ्री थी, एंड ये मार्च की है 2021। तो अब ज़रा ना बात करते हुए इसकी पैकेट खोलते हैं, तो ये शायद इसका चेन है, तो चेन बाद में खोलेंगे, पहले देखते हैं इसका स्प्रॉकेट। तो ये रहा इसका स्प्रॉकेट पीछे वाला, यहाँ लिखा हुआ रोलॉन की ब्रांडिंग है, यहाँ पे चेकआउट कर लो, ये देखो रोनॉन की ब्रांडिंग, और यहाँ लिखा हुआ 48 टीट, ये है ब्लैक कलर की स्पॉकेट जो कि पीछे हब में लगने वाली है, एंड ब्लैक कलर का स्पॉकेट बहुत सही दिया इन्होंने। और अब खोलते हैं इसका चेन, तो यहाँ चेकआउट कर लो इसका चेन है, एंड ये रहा सा गोल्ड चेन भाई, देख के ही मज़ा आ रहा है, एंड बीच में छोटा वाला स्पॉकेट इसका अंदर पे है, एंड यहाँ पे इस पर लगा हुआ है चेन पेस्ट, आप देख लो, ये देखो कंपनी ने पहले से चेन पेस्ट दिया है इस पर, वाइट कलर का चेन ल्यूब लगा हुआ है, तो ये फ्रंट वाली गरारी है, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गोल्ड, ये भी गोल्ड है पूरी, तो रस्ट नहीं लगेगा, ये भी ब्रास कोटिंग है इस पर। एंड ये देखो चेन भाई, सबसे बेस्ट मुझे क्या लग रहा है यहाँ चेन पे, ये देखो इसका चेन लॉक, ये चीज़ मुझे चाहिए था बस और कुछ नहीं, तो ये चेन लॉक जो है ये मुझे चाहिए था क्योंकि चेन खोलने में काम आता है। और यहाँ पे चेन में चेकआउट करो, ये देखो वाइट पेस्ट लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, एंड मज़ा आ गया देख करके भाई, ये गोल्ड चेन जब लगेगी तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो ये चेकआउट कर लो चेन, एंड बीच में चेन की जो गोलीज है ये ब्लैक कलर पे है, एंड इस पर पूरा चेन पेस्ट लगा हुआ वाइट कलर वाला, तो ल्यूप तो फिर भी करना पड़ेगा ही ऊपर से क्योंकि वो ज़रूरी है। एंड इसके बीच पे है ओरिंग, ओरिंग है इस पर, एक्स रिंग नहीं दिया कंपनी ने, इसमें ओरिंग दी हुई है, तो देख करके मज़ा आ रहा है भाई, लगेगा तो क्या मज़ा आएगा, फिर देखते हैं। तो अभी चलते हैं, पहले जो है ना ये वाली स्पॉकेट इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आगे फिर दिखाते हैं। यहाँ देख लो पैकेट में मैं न्यू नट लेके आया था, तो इसको भी अनरैप करके आपको नट दिखा देते हैं, ये कौन सी कंपनी की, ये सारे ब्रांड लेके आया था मैं, ये देखो ये सारे नट में लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये TVS की नट है, यहाँ पे एक शॉप है जमशेदपुर में जो कि ओरिजिनल नट सब सेल करते हैं, एंड यहीं से मैं लेके आया हूँ, ये पर पीस 10 रुपीज़ की है, एंड ये कुछ एलन बोल्ट्स भी रखे हैं, कुछ कुछ कहीं चेंज करना था मुझे, वो सब दिखाऊंगा बाद पे। तो ये सारे नट जो है ये लगने वाले हैं इस पॉकेट पे, ये देखो ऐसे ऐसे नट लगने वाले हैं इस पे, तो चलिए लगाते हैं इसे। तो ये जो पॉकेट है ये अपने पोजीशन पे आराम से बैठ गया, देखो ये स्लाइटली आराम से स्मूथली अपने हब पे ये ऐसे करके बैठ गया है। एंड अब जितने जो 5 नट लेके आया था न्यू, ये देखो अब ये नट को जो क्रॉस सेक्शन टाइट करेंगे, ठीक है, क्रॉस लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, फिर एक यहाँ लगाएंगे, एंड टाइट भी वैसे ही करना है क्रॉस सेक्शन आपको, तो पहले ये टाइट, फिर ये टाइट, फिर ये टाइट, फिर है ऐसे क्रॉस सेक्शन, 6 नट है, 6 को टाइट करना है। तो मैं टाइट करके फिर आपसे मिलता हूँ।
तो यहाँ ये फुल्ली टाइट मैंने कर दिया, देख लो पूरी अलाइनमेंट पे आ गई है ओरिजिनल पूरा। देखो नीचे इस पॉकेट जो है, ये बॉडी है ना, या बॉडी में टच होनी चाहिए, तो ये इस पॉकेट जो है ये अच्छे से टाइट कर दिया मैंने, फुल टाइट कर दिया नट को, ये खुलने वाले नहीं, इतना टाइट किया मैंने। एंड अपना पीछे वाला जो है ये हो गया रेडी, और यहाँ पे जो डैम्पर रहती है रबर, वो लगेगा बाद पे जब चक्का फिटिंग करेंगे। तो अभी करते हैं फ्रंट वाला स्प्रॉकेट जो है ना, फ्रंट वाला फिटिंग करते हैं पहले। तो पहले क्या करना है कि इसकी जो शाफ्ट है ना, इसको आप पहले डाल लो गियर में, ठीक है, गियर डालोगे ये फंस जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रीस लगाना है, ये जो एरिया है ना, आप थोड़ा सा ग्रीस लो पहले, एंड यहाँ पे ग्रीस लगाना ही लगाना है, क्योंकि बाकी सब नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे झटका लेती है जब ना तो घिसता है। तो इसको आपको अच्छे से ग्रीसिंग करना है, ये याद रखें। ये आप खुद कर रहे हो या कहीं बाहर से करा रहे हो मिस्त्री से, तो उसे बोलना है कि यहाँ पे शाफ्ट पे ग्रीस लगाना ही लगाना है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, बस हल्का सा ल्यूब करना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पॉकेट मूव करती है ना, तो थोड़ी सी हिलती हुई क्लियरेंस रहता है इस पर, तो घिसने का चांस रहता है झटका से। तो ग्रीस रहने से क्या होता है, ये थोड़ी सी फ्रिक्शन कम हो जाती है इस पर, तो ग्रीस बढ़िया से इस पर लगा दें। एंड ये रहा स्प्रॉकेट, ठीक है, तो स्प्रॉकेट हमें ऐसे लगाना है, ये जो 40 लिखा हुआ ना, 40 CB जो भी लिखा हुआ है, तो ये हमें फ्रंट साइड रखना है। तो इस पर भी थोड़ा थोड़ा आप काम करें, थोड़ा सा ग्रीस लगा दें बैक साइड पे, तो ग्रीस लगा देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, एंड घिसेगी भी नहीं जल्दी। तो अंदर में जितने दांते हैं ना इसके, वहाँ आप ग्रीस लगा दें, जितने जो अंदर घाट कटे हुए हैं, और फाइनली इससे अब अंदर घुसा देना, ये देखो आराम से स्मूथली अंदर चले गया, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा ग्रीस लगाना है, यहाँ पे ग्रीस लगानी ही लगानी है, जो मर्जी हो जाए, इसे फ्री और सूखा नहीं रखना है। तो ऐसे नहीं लगाना है कि बिना ग्रीसिंग किए आप लगा दिए, यहाँ पे हल्का हल्का ग्रीस लगाना है। एंड ग्रीस लगाने से क्या होता है कि ये जो झटका लगता है ना इस पर, देखो ऐसे मूव करता है, ये फ्री प्लेयर रहता है इस पर, तो झटका लगने से क्या होता है कि ज़्यादा फ्रिक्शन और घिसेगा नहीं। तो ऐसे ग्रीस इस पर अच्छे से लगा दें, एंड इसका जो लॉक है ना, लॉक भी हल्का हल्का ग्रीस जो अपना हाथ पे लगा हुआ है, ग्रीस लगा के फिर इसका लॉक को, ये देखो यहाँ ये टाइट हो गया है, उसके बाद ये टाइट होने के बाद में हल्का हल्का ऊपर ग्रीस लगा दें इस पर, ऐसे अच्छा रहेगा। तो ग्रीस लगाने से अब ये मत सोच के ख़राब होगा भाई, ग्रीस गिरती आगे छिटा पड़ेगा, ये वो कुछ नहीं होता, आपको ग्रीस लगाना है तब जाके जो साउंड है वो थोड़ी सी कम रहती है, झटका मार जो खट खट आवाज़ करती है वो आवाज़ नहीं करेगी। तो हल्का हल्का ग्रीस, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का बस टच करना जैसे मैंने किया हुआ, बस इतना इतना लगाना है। एंड ये दोनों स्पॉकेट जो है ये होगी रेडी, ठीक है, ये देखो। एंड रियर व्हील भी वहाँ पड़ा हुआ है, तो इसका स्पॉकेट जो है वहाँ लगा हुआ है। एंड अब क्या करना है, पीछे चक्का जो है एक्सल पे चढ़ाते हैं इसे सीधा। तो गाइज लगे हाथ मैंने सोचा कि क्यों ना पीछे की डिस्पैट भी चेंज कर दी जाए, क्योंकि ज़्यादा नहीं बची, मतलब है तो ये थोड़ी डिस्पैट प्रॉब्लम कर रही है, पता नहीं कौन सी है। तो ये पास में पड़ा होता निकावी का ब्रेक पैड मंगा के रखा, तो बहुत पहले से ये अच्छी ब्रांड है, तो लोकल है ये भी, मतलब कि लोकल में सबसे बेस्ट चीज़ है। प्राइस यहाँ 600 रुपये लिखा, इतनी नहीं है प्राइस, ये 300 रुपये की है। तो पास रखा हो तो मैंने सोचा क्यों नहीं ब्रेक पैड भी चेंज कर ले साथ साथ में, घड़ी कौन फिर चक्का खोलते रहेगा इसका। तो साथ साथ में क्या है, कैलीपर भी क्लीन हो जाएगी, पिस्टन भी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि पिस्टन क्लीन करने के पास में एक स्प्रे है EB80, ये स्प्रे से आप पिस्टन में ऐसा स्प्रे करेंगे तो ये अंदर जितना रस्ट है ना, ये देखो अंदर रिएक्ट करके जितना रस्ट है वो हटा देता है एंड पूरा फ्री करता है। ये स्प्रे आपको रखना, ये मल्टीपर्पज़ स्प्रे है, EB80 स्प्रे लुब्रिकेंट एंड पेनिटेटरिंग ऑयल, समझ जाओ आप क्या है ये। तो ये आप मंगा लो, अमेजोन मिल जाएगा, अवेलेबल है ये स्प्रे हर जगह यूज़ होता है। तो अभी क्या करते हैं, इसका कैलिपर भी ग्रीसिंग वगैरह कर लेंगे, सिलिकन ग्रीस लगा देंगे इसके शाफ्ट वगैरह में, एंड कैलिपर भी फ्री कर लेंगे लगे हाथ। तो ये कर लेता हूँ पहले, यहाँ मैंने लगा दिया इसका न्यू ब्रेक पैड्स निकावी के, एंड सारा ये क्या बोलते हैं कैलिपर ग्रीसिंग मैंने कर दिया इसके शाफ्ट में। जो कैलिपर ग्रीस आती है सिलिकन ग्रीस रहती है वो, ठीक है, तो वही लगाया मैंने। एंड यहाँ देख सकते हो इसमें ग्रीसिंग की, एंड पूरा कैलिपर पूरा फ्री कर दिया अच्छा से। एंड अब चढ़ाते हैं इसका टायर, टायर चढ़ाने के बाद उसके बाद लगाएंगे इसका चेन। तो यहाँ पे मैंने जो शाफ्ट वगैरह है ये रेडी कर दिए ग्रीस लगा के, देख लो भाई इसको साफ करके, एंड ये सब रेडी है। एंड अब लगाना है इसका डैम्पर, ये रबर डैम्पर जो लगता है यहाँ हब में, वो स्पॉकेट के बीच पे, स्पॉकेट एंड इसके बीच पे जो रखता है, तो इसको अनरैप करते हैं। तो ये चेकआउट कर लो, ये रबर जो है ये लगता है, ठीक है, तो ये रबर थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा, फिर दूसरा पतला रहेगा, ऐसा बीच में स्पेस रहता है जहाँ पे स्पॉकेट जो है जो हब फंसेगी, सेम यही सीक्वेंस में लगाना है आपको, ठीक है, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, फिर से छोटा ऊपर बड़ा नीचे,
फिर छोटा ऊपर, फिर बड़ा नीचे, ऐसा करके सीक्वेंस पे लगाना है आपको। एंड ये न्यू रबड़ लग गया है, एंड न्यू डैम्पर के बाद में स्लाइटली ये जो हब है, आराम से देखो जो घाट बना हुआ है ना, या बीच में स्पेस है, इस पर आराम से ऐसे बैठाएंगे। एंड ये देखो ये आराम से अंदर चले गया एंड अपनी पोजीशन पे बैठ गया ये, एंड ये हो गया रेडी। एंड अब चढ़ाते हैं व्हील को। सो गाइज़, यहाँ पे जो व्हील यहाँ पे एक्सल पे चढ़ गया है, बहुत ही मुश्किल। सबको पता है कि V3 का पीछे चक्का चढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है, तो भाई मुझे यहाँ बहुत टाइम लग गया, लगाते लगाते आधा घंटा लग गया। तो इसकी ब्रेक पैड वगैरह देख लो, वो भी नया लगा दी मैंने, पूरी फुल्ली न्यू ब्रेक पैड्स। एंड व्हील देखो भाई एक नंबर मूव कर रहा है, ये देखो पूरा मक्खन, ठीक है। व्हील पूरी फ्री है एंड इसको रोकते हैं एंड थोड़ा सा व्हील को ऐसे आगे ठेलते हैं। आगे मैंने इसलिए ठेला क्योंकि न्यू चेन लगेगा तो उसके हिसाब से सेट होगी। देखो यहाँ पे एडजस्टर दिया हुआ ना, नट है ये, इसको एकदम कम कर देना है, एकदम छोटा कर देना, उसके बाद में व्हील को आगे पुश करना है एकदम, उसके बाद में अभी चढ़ाते हैं इसका चेन। तो चेन चढ़ा के लॉक करके फिर आपको दिखाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखेगा कि जब भी आप न्यू चेन लगा रहे हो कभी भी, या चेन साफ करके या न्यू कभी भी लगा रहे हो, तो नीचे हमेशा न्यूज़ पेपर रखना, क्योंकि फ्लोर में बहुत छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे बाबरी रहती है, अगर वो चेन में चिपक गए तो बेकार के फालतू के आपके चेन के स्पॉट को पूरा खा जाएगा, पूरा घिस जाएगी। तो नीचे पेपर बिछा कर रखें, उस पर थोड़ी भी मतलब कि डस्ट नहीं लगनी चाहिए नीचे फ्लोर की। तो यहाँ नीचे फ्लोर में मेरे बहुत सारे मतलब कंकड़ पत्थर वगैरह हैं, थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए मैं नीचे न्यूज़ पेपर बिछा दिया। तो अभी क्या है कि चेन यहाँ चालू करेंगे चढ़ाना, यहाँ से चढ़ाएंगे फिर लंबा लेके जाएंगे वहाँ से, उसके बाद फिर लगाएंगे लॉक इसका। यहाँ पे इसका है चेन लॉक, तो हमें प्लास के मदद से इस चेन लॉक को निकालना है। सिंपली खाली से प्रेस करेंगे तो ये जो लॉक है ना, ये देखो ये आगे बाहर, ठीक है। तो ये इसका चेन लॉक है, ये देखो ये लॉक निकला। एंड इसकी ऊपर की जो लिंक है, ये लिंक निकलेगी आराम से, ठीक है, ये रहा इसका लिंक। और यहाँ इसके दो ओरिंग है, इसके संभाल के निकाले ये, ठीक है, ये इसके ओरिंग हो गए। और ये चेन जो है ये हो जाएगा डिसमेंटल पूरा कंप्लीट। ये देखो ये चेन खुल गया, चेन हिली निकल गई। और अभी क्या है, चेन को चढ़ाते हैं, ये खांस से थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, तो चेन चढ़ा के फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस यहाँ फाइनल चेकआउट कर लो, मैंने लगा दिया पूरा चेन। तो थोड़ी सी दिक्कत हुई लगाने में, क्योंकि चेन जो है थोड़ा सा मैच नहीं करता, न्यू होती है ना, थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है। तो लगाते लगाते थोड़ा सा टाइम हो गया। एंड यहाँ अपना गोल्ड चेन भाई जबरदस्त लग रहा है, बाइक पे सूट कर रहा, देखो मज़ा आ रहा भाई। अभी क्या है, जो चेन स्लैक है इसको एडजस्ट करेंगे बस। यहाँ चेन पेस्ट लगा हुआ पहले से, अब देख लो, फिर भी यहाँ चेन लूप तो करूँगा। यहाँ चेन लॉक भी लग गया, देखो इसका चेन लॉक है, बस यही चीज़ चाहिए था मुझे। बाकी ग्रेसिंग करके पूरा चेन लॉक लगा दिया इसका, एंड बस खाली ये चेन को एडजस्ट करना है एंड फिर आपको दिखाते हैं बात। तो गाइज अभी सारा सेटअप हो गया, अब देख लो सारा स्लैक एडजस्ट हो गया एंड सारा एक्सल मैंने टाइट कर दिया है। एंड इसका फ्री प्ले भी परफेक्ट है, ये देखो इतना होना चाहिए, करीब करीब हाफ एक इंच से डेढ़ इंच, एक इंच से डेढ़ इंच इतना होता है, डेढ़ इंच इतना इसका फ्री प्ले होना चाहिए। याद रखें कि अब क्या करना है कि बाइक स्टार्ट करके ना, अब डालेंगे इसमें चेन ल्यूब। तो बाइक स्टार्ट करते हैं एंड अपने पास मोटुल का चेन ल्यूब, तो ये डालेंगे चेन ल्यूब इसमें, ज़्यादा नहीं हल्का हल्का डालेंगे, क्योंकि पहले से उसमें वाइट चेन पेस्ट लगाई हुआ था, तो हल्का हल्का डालेंगे। तो पहले बाइक स्टार्ट कर लेते हैं एंड डालेंगे इसको सेकंड गियर पे। तो अभी डाल दिया मैंने ये सेकंड गियर, थोड़ा सा चलने देते हैं, नहीं फर्स्ट गियर डाल देते हैं, थोड़ा सा चलने देते हैं इसको चेन को। एंड यहाँ मिडिल पे हल्का हल्का चेन स्प्रे मारेंगे, देखो यहाँ पे हल्का हल्का चेन स्प्रे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का स्प्रे। थोड़ा सा आगे वाले स्पॉकेट की तरफ मार देंगे, एंड थोड़ा सा रियर स्पॉकेट की तरफ पे, एंड भाई यहाँ अपना काम सेट हो गया पूरा कंप्लीट चेन स्पॉकेट का। तो यहाँ वीडियो की पार्ट 4 होती है कंप्लीट, एंड पार्ट 5 में आप देखोगे जो मैंने रियर व्हील की बेयरिंग ग्रीसिंग वगैरह की कैसे खोला सब दिखाऊंगा इसके बाद वाले पार्ट 5 वीडियो में। एंड फ्रंट व्हील भी खोल करके इसको भी करेंगे ग्रीसिंग। एंड पार्ट 6 में आपको देखने को मिलेगा इसका ब्रेक ऑयल चेंज, ये ब्रेक ऑयल देखो कंटेनर कंप्लीट पूरा फ्लश करेंगे। एंड फ्रंट वाला भी ब्रेक पूरा ऑयल काला हो रखा है, यहाँ देखो अंदर पे ब्रेक ऑयल डलेगा मोटुल का। तो यहाँ पे होती है वीडियो कंप्लीट।